अल्लाह ने हमें भेज दिए ना, जितनी कोशिश होगी हमसे पॉसिबल होगा हम आपकी मदद जरूर करेंगे इंशाल्लाह। और माँ जी क्या हाल है, अपने बच्चों को सिर पे प्यार तो दो। सबको सिर पे प्यार देता है अल्लाह ताला। और जो लोग इनको कॉल करके कह रहे थे कि हम आपकी बेटी पोती के साथ शादी करना चाहते हैं, नाज़रीन मैंने इनकी पोती साहिबा की शादी करवा दी है और अब इनको माली मदद की ज़रूरत है, जितना हो सके सदका जारिया की नियत से इस वीडियो पैगाम को शेयर करें और ऐसे गरीब गुरबा लोगों के साथ जुड़ें और मेरे साथ दें। मैं पाकिस्तान से गुरबत को ख़त्म करना चाहता हूँ। और मैं यहाँ पर एक अर्ज़ करना चाहता हूँ, ये हकीकत में नाज़रीन हकदार लोग हैं जिनको मुआशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर सफ़ेद पोश लोग इनको कहा जाता है। ये किसी के आगे हाथ फैलाने से पहले 1000 मरतबा सोचते हैं कि काश कोई सखी, काश कोई ऐसा इंसान आ जाए जो हमारी मदद करे। व्हील चेयर इनको चाहिए और इनका घर रेंट का है। पिछले दिनों शाह साहब जो हमारे साथ होते हैं, टीम मेंबर हैं, उन्होंने इस घर का रेंट भी पे किया था। टांके लगे हुए हैं यहाँ पे, टांके नहीं। बाबा जी क्या मेरे खर्चा दे, खर्चा देगा जाओ, खर्चा खाली टीम बड़े से बात कर रहा है। हाँ दुनिया टेलीफोन करे, मदद कोई भी नहीं। ठीक है अम्मा जी, ठीक है ठीक है, कोई बात। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माजिद हुसैन हैदरी आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त ठोकर नियाज पे गुलशन टाउन में मौजूद है, मेरे साथ मेरी पूरी टीम मौजूद है और एक गरीब फैमिली को राशन देने के लिए आए हैं। हमारे साथ रहें, उनके घर चलते हैं। ये देखें नाज़रीन, ये गलियों की कितनी खस्ता सूरत हाल है। यहाँ पर सीवरेज का निज़ाम बहुत नाकिस है, यहाँ पर स्मेल भी है, न जाने कैसे यहाँ पर लोग रहते हैं। और हम जिस गरीब फैमिली को राशन और कुछ कैश देने के लिए जा रहे हैं, उनकी आप लोगों ने स्टोरी हमारे चैनल पर देखी होगी। 70 साल सराय की बुज़ुर्ग हैं और 55 साल अम्मा जी हैं और उनकी 25 साल बेटी है, जिसको उनका दामाद हमला करके भाग गया था बच्चों को छोड़कर। उनके घर आपको लेकर जा रहे हैं, हमारे साथ रहे, आए जनाब चले। और इधर भी ज़रा कैमरा लगाए देखें ये कैसा निज़ाम है। चले नाज़रीन अंदर चलते हैं, बुजुर्ग हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। अल्लाह अकबर, अल्लाह। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम। बाबा जी क्या हाल है? ना 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 ना, मैं तो हाल सुन आपको तकलीफ आ गई है। अस्सलाम वालेकुम। ये देखें नाज़रीन, छोटे-छोटे मासूम बच्चे सोए हुए हैं। आओ बाबा जी तशरीफ रखो। ये इनका किचन भी दिखाएं, ये नाज़रीन इनका किचन है और ये इनकी 25 साल की बेटी है। इस हमारी बहन को इसका शोहर छोड़कर चला गया, हो गया। अभी तक वो आया नहीं घर, आपका दामाद नहीं आया? आया। अच्छा, ये थोड़ा बहुत आपको कैश भी देता हूँ, हमारे लिए दुआ कीजिएगा। ये देखें नाज़रीन, हकीकत में ये हकदार लोग हैं, महजूर भी हैं, कमजोर भी हैं और ज़ईफ़ुल उम्र भी हैं। देखें माजिद अली टेलीविजन और वाजिद अली टीवी कितना बड़ा काम कर रही है, जितना हो सके इन लोगों को, इन फैमिलीज को सपोर्ट करें। खुदा की कसम, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कल कयामत के दिन सबसे पहले जन्नत में कौन लोग जाएंगे, 500 साल पहले ये जन्नत में जाएंगे। ये रखें, कैश रखें, ये रखें, माशाल्लाह बड़े नोट हैं। कपड़े लें, दूध पिए, कीमा खाएं, जो मर्जी करें, ये राशन है आपके लिए स्पेशल, ये उधर रखें। अल्लाह माँ जी ये राशन, और इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह वो खाने पीने की अशिया है जो अमीर लोग सुबह सुबह नाश्ता करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, वो चीजें इसमें मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बच्चों को पकौड़े बनाकर देने देसी घी में, और आप लोगों ने दुआ करनी है इस मेरे भाई के लिए और मेरी काविश को और मेरी पूरी टीम को, अल्लाह पाक दिन सुखनी रात सुखनी तरक्की अता फरमाए। नाज़रीन
इन माजी के लिए, इन बुजुर्गों के लिए मैं दुआ खैर करूँ। अल्लाह मेरी इस नौकरी को, हम सब की हाजिरी को और जो खिदमत की मखलूक खुदा की, वो अल्लाह हमारी कबूल और मंजूर फरमाए अपने बारगाह में। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सैयदिना व मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि। अल्लाह करीम, रात के आधी रात हो चुकी है, रात का दूसरा पहर शुरू है। माजिद भाई, मैं और शाह साहब, हमारी टीम तशरीफ लेकर आई। अल्लाह करीम हम सब की हाजिरी को कबूल और मंजूर फरमा, इस बुजुर्ग को सेहत तंदुरुस्ती उम्र खिदरी अता फरमा। अल्लाह करीम, ये बेचारे पाँव से भी डिसेबल है, महजूरी की हालत में बैठे हैं, लंबी जिंदगी हो चुकी है इनकी, ज़ईफ़ुल उम्र बुजुर्ग है, इनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। अल्लाह करीम अम्मा जी को सेहत अता फरमा। अल्लाह करीम इस घर के अंदर अपनी बरकतों, अपनी रहमतों का नज़ूल फरमा। अल्लाह करीम हमारे जिस्म में आखिरी सांस जो रहे वो तेरी रिजा के लिए रहे, और मखलूक खुदा की हमें खिदमत की तौफीक अता फरमा। अल्लाह करीम, इनके पास चार पाइयों तक नहीं है, ये ठंडे फर्श पर सोए हुए हैं, इनकी गैब से मदद फरमा। अल्लाह करीम इन सब की गैब से मदद फरमा। अल्लाह करीम जो दामाद इनको छोड़ कर गया, परेशान कर रहे हैं, उस इंसान को हिदायत अता फरमा। अल्लाह करीम हम सब की हाजिरी को कबूल और मंजूर फरमा। रात का दूसरा पहर शुरू हो गया है, हमारी पूरी टीम अपने बच्चों को छोड़कर, गर्म बिस्तरों को छोड़कर, अपने डिनर को छोड़कर तेरी रिजा के लिए, तुझे राजी करने के लिए है। हम सब की हाजिरी को कबूल और मंजूर फरमा। अल्लाह करीम दूसरे के दर्द को हमें अपना दर्द समझने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह करीम दूसरे की तकलीफ को हमें अपनी तकलीफ समझने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह करीम हम सब की हाजिरी को कबूल फरमा। अल्लाह करीम इनके पास दो वक्त का खाना नहीं है, इन सब की गैब से मदद फरमा। अल्लाह करीम जो हमारे चैनल के तवस्सुल से तामन करते हैं, आउट ऑफ कंट्री वाले पाकिस्तानी भाई जैसे भी करते हैं, अल्लाह करीम सबका ये तामन कबूल और मंजूर फरमा। अल्लाह करीम माजिद भाई को, शाह साहब को, हम सबको, मेरी पूरी टीम को सेहत तंदुरुस्ती उम्र खिजरी अता फरमा, हर किस्म के हादसात से महफूज फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्की मुहम्मद व आलिही। साडी पूरी टीम दे सिर ते हाथ फेरो, सानू दुआवां देओ। जी नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये सराइकी फैमिली है, इनकी मादरी ज़बान सराइकी है, ये सराइकी में गुफ्तगू करते हैं। बाबा जी सुनाओ, तबीयत से अद्दा सही है? अल्लाह की रहमत, तुम्हारा दामाद आया नहीं होला? ठीक है किते चला गया? कसी नहीं किया दामाद तुम्हारा? किथा गए? ओ काओ चला ही आ गया, हद के छोड़ गए। हां बेल साडी तबीयत ठीक है, ये क्या हाल है? बुखार है हरी, अल्लाह हमें। चलो अल्लाह पाक अपनी रहमत फरमावे, सब को इजाजत दे। इजाजत अल्लाह दे। ठीक है जी। नहीं नहीं नहीं, हाथ का नहीं, कोई नहीं, नहीं सर। असर बात का खाली पाप पे निपाल के है, बात क्या क्या अल्लाह अल्लाह पाक सारे बुजुर्ग लोग कर लो। अच्छा अम्मा की ठीक है अम्मा जी? जी नाज़रीन, फिलहाल माजिद हुसैन हैदरी को इजाजत दे, अपना ख्याल रखिएगा। फी अमानतुल्लाह।